Hello everybody, welcome back to my channel. आप लोग को मेरा चैनल में आप लोग का स्वागत है एंड मेरा चैनल में आप लोग को स्वागत है. मैं थोड़ा फूड सेफ्टी के बारे में डिस्कस करता हूँ एंड फूड सेफ्टी एंड हाइजीन के बारे में डिस्कस करता हूँ इन द किचन में, है ना. किचन में किस तरह से आप फूड को सेफ रख सकते हैं इसको बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इन द हमारा चैनल. आप चाहे तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसमें क्या आप भाई पैसा थोड़ी जाता आपको, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. जितना भी आपका इस चैनल का माध्यम से आपका जो नॉलेज है आप ले सकते हैं, जो चीज नॉलेज है वो नहीं ले सकते. आपका जो पसंद है, आपका जो मर्जी है, है ना. अभी मैं एक कहानी बोलता हूं. एक पिक्चर में बहुत सा स्टोरी, बहुत सा फाइट, बहुत सा सॉन्ग रहता है, बट उसमें क्या है आपका जो क्वालिटी, किसी को डायलॉग अच्छा लगता है, किसी को पिक्चर अच्छा लगता है, किसी को स्टोरी अच्छा लगता है, किसी को सॉन्ग अच्छा लगता है, किसी को आर्टिस्ट को अच्छा लगता है. इस तरह से आपको कुछ भी आप फेसबुक हो या तो कोई भी चैनल, कोई भी कैटेगरी का चैनल, कोई भी उसमें आप जाकर कुछ भी जितना आपका जो नॉलेज है वो आप एडअप कर सकते हैं. ये आपका ऊपर डिपेंड है ना, आप किस तरह से कैरी करना है, किस तरह से वो करना है. इस तरह से सब चीज आपका सपोर्टेड नहीं है, आपका नहीं है. चलिए हमारा आज डिस्कस करेंगे हमारा आज फूड सेफ्टी बारे में. हम कुछ टॉपिक आप लोग को इस जूस के स्टील स्क्रबर एंड ग्रीन स्क्रबर, पांच जो बर्तन साफ करते हैं ना डिश वॉश में, आप हर किचन में तो आप यूज करते हैं, है ना. आप हर किचन में यूज करते हैं, हर डिश वॉश में यूज करते हैं, है ना. एंड बढ़िया से साफ करना है. एक प्लेट भी आप साफ करके रखते हैं ना, बहुत सुंदर से आप खाते ना, उस प्लेट में आप बहुत सुंदर से आप खाते हैं. इंसान, हर इंसान फूड को खाता है, लेकिन नीट एंड क्लीन, साफ होना चाहिए. डर्ट फूड आप खाएगा, स्मेल स्पॉइलेज फूड आप खाइएगा, नहीं. प्लेट डर्टी रहेगा, फूड अच्छा है, क्रॉस कंजम्पशन होगा, तो उसको भी तो प्लेट को या कुछ भी बर्तन को, जिस बर्तन में आप बनाते हैं उस बर्तन को नीट एंड क्लीन रहना बहुत जरूरी है. तो इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं घर में, या तो कैटरिंग इंडस्ट्री में, या तो रेस्टोरेंट में, कहीं भी, है ना. आपका डेली का पार्ट है, आपका डेली का पार्ट, एक दिन का नहीं, आपका हर लाइफ का पार्ट. देखिए स्टेनलेस स्टील स्क्रबर कौन सा ये जो सिस्टम है सबसे बेस्ट है एंड फूड सेफ्टी. फूड सेफ्टी आपको पता नहीं चलेगा, अब थोड़ा मैं लास्ट में आप बोलते जाऊंगा, कंटिन्यू आपको बोलते जाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि इस स्टेनलेस स्टील एंड हाइजीन सिस्टम्स या ग्रीन स्क्रबर पंच एंड नॉन स्क्रैचेबल ग्रीन स्क्रबर कौन सा सबसे बेटर है फूड के लिए. देखिए हर अपना अपना पॉइंट में, अपना अपना लॉजिक में, अपना अपना उसमें सब अच्छा है, सब अच्छा, बट इसमें क्या है ना कि आपको सेफ कौन सा है, सेफ कौन सा है, है ना. स्टील स्टील स्क्रबर देखिए, ये आपको बर्तन को जो भी जैसे आज कुछ फ्राई पैन में कुछ बनाते हैं ना जल जाता है, उसको खाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, या तो केमिकल देना पड़ता है, या तो स्टील स्क्रबर से स्क्रबर से आपको क्लीन करना पड़ता है, बहुत घसना पड़ता है, बहुत रगड़ रगड़ घसना पड़ता है, देन आपको क्या है वो नीट एंड क्लीन होता है ना. कंपनी हर चीज के लिए, हर उसके लिए आप वर्ल्ड में कुछ ना कुछ आपको बनाते रहते हैं इंसान, है ना. किसी को ज्ञान बना रहता है, किसी को एंटरटेनमेंट बना रहता है, किसी को एडिक्शनल बना रहता है ना, किसी को आपको सिखाता है ना. आपको क्या है, आपको क्वालिटी आपको चूज करना है, ये अच्छा क्वालिटी है,
आई कैन अडॉप्ट, ये कर सकते हैं आप, है ना। स्टिल स्टिल रूल सबसे डेंजर है फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि बोलिए फूड इंडस्ट्री में ना बहुत बड़ा बड़ा, जिधर मैं रहता हूँ ज्यादा ऑफ रहते हैं, ज्यादा बड़ा बड़ा कैटरिंग इंडस्ट्री रहते हैं, उसमें क्या स्क्रैपर ज्यादा यूज करते हैं, स्टेनलेस स्क्रैपर यूज करते ज्यादा, क्योंकि बढ़िया से उसको साफ करना पड़ता है। इस साफ करते समय देखिए बड़ा बड़ा जो जाली है, बड़ा बड़ा जो जाली है, बड़ा बड़ा जो पैन है, छोटा छोटा जो पैन है, उसमें क्या है स्क्रैपर का चीज, तो स्टेनलेस स्क्रैपर जो है ना उसका जो जाली है, लोहा का जाली है, वो फंस जाता है। क्या ये क्या आपका फूड सेफ्टी नहीं है? दिस इज द आपका फूड सेफ्टी नहीं है। आपको किसी पास दीजिएगा, किसी गेस्ट को दीजिएगा, किसी वो कस्टमर को दीजिएगा, किसी क्लाइंट को दीजिएगा, फूड अच्छा है, आपको वर्ड अच्छा है, बर्तन अच्छा है, सर्व कर रहे हैं, सब चीज एवरीथिंग इज ओके फाइन, बट आपका क्या है? अब स्टिलनेस उस रूल उस गेस्ट को फूड में गया तो क्या करेगा? बहुत गुस्सा करेगा। आप बर्तन को साफ किए, उस स्टील रोल आपको फूड में गया, तब वो फूड भी डेंजर हो सकता है। आप वो खा लिया बाय द बाय, छोटा सा टुकड़ा अभी राइस का था या कुछ सब्जी के साथ, कुछ वेजिटेबल के साथ खा लिया, डेंजर है भाई, बहुत डेंजर है। तो इसीलिए ये पूरा स्टील रूल्स, बट साफ करने के लिए ये सही है। ग्रीन स्क्रबर पंच जो घर में हम लोग कॉस्पाइट यूज करते हैं ना, घर में देखिएगा, मेरा घर में भी यूज करता है, मेरा जो कोलकाता घर है उसमें भी यूज करता है, मेरा फैमिली उस कॉस्पाइट से बड़े से यूज करता है, एंड ग्रीन नीमून लेमन कौन कौन सा जो साबुन है उससे डालकर बर्तन साफ करने के लिए वो यूज करता है, गुड। बट ये क्या, जैसे आपका थाला है ना, थाला डिश पानी का गिलास जिस पर पानी पीते हैं, वो सॉफ्ट सॉफ्ट चीज है ना, जला जो नहीं है वो चीज साफ करने के लिए ग्रीन स्क्रबर पंच आप भी यूज करते होंगे, आपका किचन में भी यूज करता हूँ, है ना। उसका बाद है आपका नॉन स्क्रैच स्क्रैच ग्रीन द स्क्रबर। ये क्या है कि जो आपको जो घासने से जो दाग फाग नहीं उठता ना, उस टाइप का सॉफ्ट पूरा रहता है, बोथ साइड आप बोथ साइड यूज कर सकते हैं, या येलो स्क्रबर भी यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन बट फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है, देखिए FSMS जो बोलता है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है, या HACCP बोलता है, HACCP बोलता है कि कौन सा फूड सिस्टम एंड आपका फूड कौन सा सेफ है, है ना। तो देखिए आपको हाइजीन सिस्टम्स, हाइजीन सिस्टम्स का जो स्क्रैबर है, येलो कलर का जो स्क्रैबर है सबसे बेस्ट है। ये क्या सबसे बेस्ट है, इन्होंने क्या क्या डिजाइन किया है फूड सेफ्टी के लिए, इसमें क्या इसको जो पंच है वो घिसता नहीं है, थोड़ा सा यूज करिएगा, घिसता नहीं है, बर्तन में आपको वो नहीं होता है पानी डालेगा तो वॉश करने से बढ़िया अच्छा। ठीक है, इतना एक छोटा छोटा चीज है भाई एक फूड को सेफ रखने के लिए, फूड को सेफ रखने के लिए या कौन कौन चीज इस्तेमाल करना है ना, कैसे इस्तेमाल करना है, इस तरह से आपको सिस्टम है। दिस इज द फूड सेफ्टी। देखिए जो भी चीज है ना, मेरा जो नॉलेज है, मैं जिस आपको अच्छा है वो चीज आप लोग को बताता हूँ, जितना देखता हूँ या सीखता हूँ वो चीज आप लोग को मैं इस वीडियो के जरिए शेयर करता हूँ। यही सब मेरा छोटा सा वीडियो है ना, थैंक यू सो मच। दूसरा वीडियो में आप लोग साथ मुलाकात करता हूँ, तब तक लिए।